शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार पप्पू कटरा जानकीपुरम मोड़ के पास सोमवार की रात बदमाशों से शाहपुर पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ में बदमाश अनूप यादव गोली लगने से घायल हो गया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाते हुए दो बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस टीम को लगा दिया गया है। वहीं घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। आरोपित पर लूट, पशु तस्करी समेत 20 मुकदमे दर्ज हैं। वह राजघाट थाने से वांछित चल रहा था। पुलिस ने उसके पास से 32 बोर का पिस्टल, 2 खोखा और 2 कारतूस बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार हरसेवकपुरम नंबर 2 टोला निवासी अनूप यादव पर गोली मारकर हत्या करने की कोशिश, पशु तस्करी, लूट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को सोमवार की रात सूचना मिली कि शातिर बदमाश अनूप अपने कुछ साथियों के साथ कोई वारदात करने की फिराक में है और इस समय वह पप्पू कटरा के पास मौजूद है। इस सूचना पर पादरी बाजार चौकी इंचार्ज दीपक सिंह, एसओजी टीम के सुधीर चंद्रभान सिंह, शशिकांत समेत अन्य पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए और घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश किए। इसी दौरान पुलिस को पास आता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने खुद का बचाव करते हुए जवाबी फायर किया, जिसमें अनूप के पैर में गोली लग गई और उसके दो साथी बाइक लेकर फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने घायल अनूप को जिला अस्पताल लाया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में उसका उपचार चल रहा है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि घायल अनूप पुलिस के मुठभेड़ में घायल हुआ है। उस पर 1.5 दर्जन से ज़्यादा हत्या की कोशिश, लूट, पशु तस्करी के केस दर्ज हैं। पुलिस पर हमला करने के मामले में वह वांछित चल रहा था। पुलिस अभिरक्षा में उसका उपचार चल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया, आज दिनांक 26/4 को एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि पप्पू कटरा थाना शाहपुर क्षेत्र में कुछ बदमाशों द्वारा इकट्ठा होकर कोई बड़ी घटना की प्लानिंग की जा रही है। इस सूचना पर शाहपुर पुलिस और एसओजी की टीम जब वहां पहुंची तो बदमाशों ने जान लेने की नीयत से उन पर फायर किया। इस फायरिंग के जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति, एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई और बाकी लोग फरार हो गए। बाद में जो घायल व्यक्ति था उसको जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां से बीआरडी रेफर किया गया। घटनास्थल से 32 बोर की पिस्टल, 2 खोखे और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।